हर हर महादेव। अध्याय 10। इस वृतांत को सुनकर देवर्षि नारद बेहद खुश हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पिता, आप इस कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहां किस तरह प्रकट हुए और गिरजा ने उनके गले में वरमाला किस लिए पहनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिजा तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की ही संगनी थी, तब वो किसी अन्य को वरमाला किस तरह पहना देती। स्वयंवर सभा में वो जिसके सामने पहुंचती थी और प्रणाम करके आगे बढ़ जाती थी, वही अपने मन में बेहद लज्जित होकर रह जाता था। इस तरह गिरिजा ने सब लोगों को सभा में देखा, लेकिन वो किसी को भी देखकर खुश ना हुई। जब उन्हें वहां परब्रह्म शिव जी दिखाई न दिए तो उन्होंने बहुत चिंता करते हुए यह सोचा कि भला क्या कारण है जो शिव जी अभी तक आए नहीं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिव जी की बहुत प्रार्थना की और मन ही मन कहा, हे प्रभो, मैं तो सदैव ही आपकी हूं, मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाएं, लेकिन मैं आपके अलावा अन्य किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। हे स्वामी, यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो आप उसे क्षमा करें और मुझे इसी समय अपने दर्शन दें। इस तरह मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गई, उसी समय शिव जी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहां प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव की तेज और स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए, उन्हें कोई पहचान भी न पाया। शिव जी सब मनुष्यों के अहंकार का नाश करने वाले हैं, इसलिए उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि वो उस सभास मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूत भावन के उस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी नहीं भागे और निर्भय होकर अपने स्थान पर खड़े रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा कि उन्हें जान से ही मार डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्रों शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर हमला किया, लेकिन जब शिवजी के ऊपर उन शस्त्रों का कोई प्रभाव ही ना पड़ा तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर हमला करने की सोचने लगे। इस गति को देखकर शिवजी ने उन सब की ओर ज्यों ही अपनी आंखें उठाकर देखी तो उनके हाथ और शरीर जड़ हो गए और उस समय जो जैसे बैठा था पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा ही रह गया। इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके ऊपर छोड़ा, लेकिन वो भी निष्फल रहा। उस समय सब लोगों को मन ही मन बहुत आश्चर्य हुआ कि वह परम शक्तिशाली बालक आखिर कौन है, लेकिन शिवजी की माया में मोहित होने के कारण किसी को भी उनके वास्तविक भेद का पता ही ना चल सका। शिवजी के इस चरित्र को देखकर गिरिजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिवजी का ध्यान रखकर विचार किया तो ये जान लिया कि यह बालक और कोई नहीं है, साक्षात भगवान शिव हैं। उसी समय वे बाल रूप भगवान भूत भावन भी मेरी ओर देखकर हंस दिए। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवन, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है, आपकी माया ही ऐसी है। हम भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने के लिए यहां आ गए थे, कैसे मूर्ख थे हम। अब आप हमें जो आज्ञा दें वो शिरोधार्य होगी। इसके बाद मैंने गिरिजा की भी प्रार्थना की, हे देवी, अब आप वो निश्चय कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो जाए।
मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव बेहद खुश हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय होश आने पर हम सब लोगों ने उस बालक के स्थान पर साक्षात भगवान सदाशिव को खड़े हुए देखा। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। वे मणि और स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे जिसका वर्णन करना असंभव है।